वेलकम टू कैम बायो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉक टेस्ट नीट और जेई स्टूडेंट के लिए स्पेशली ये हेल्प करेगा। अलॉन्ग विद दैट ये 11 12th के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है वीडियो, क्योंकि MCQs क्वेश्चन आपके 11th और 12th के अंदर भी आते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ कार्ड्स दिख रहे होंगे जिसमें मैंने ये क्वेश्चंस लिख दिए हैं। तो पहले आपको ये खुद से ट्राई करने हैं और उसके बाद मैं आपको इसी वीडियो के अंदर इनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगी। तो यहाँ पे आप देखो एक एक करके। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, बैकिलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्शन विद। आपको यहाँ पे बताना है कि बैकिलाइट को हम किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवाएं। तो यहाँ पे आपको फोर ऑप्शंस दिख रहे होंगे, आप पहले इसे खुद से सॉल्व करो, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इसको देखो, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ग्लैप्टल पॉलीमर इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्लिसरॉल बाय रिएक्टिंग विद। तो ये जो ग्लैप्टल पॉलीमर है इसको हम किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं ग्लिसरॉल के रिएक्ट कराने के साथ। तो ग्लिसरॉल को किसके साथ रिएक्ट करवाएं, मेलोनिक एसिड, मैलिक एसिड, पैथैलिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, द पॉलीमर यूज इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ ऑरलॉन इज। ऑरलॉन जो हमारा है पॉलीमर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, PVC का, PTFE का, PMAA का या फिर PAN का। क्लियर हो गया थर्ड क्वेश्चन। अभी मैं आपको इन सब के आंसर भी बताऊंगी, बट पहले आप क्वेश्चंस देख लो। अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आप इसे खुद से सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको कुछ और भी इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल कि हर क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर डिटेल में सॉल्व करवाने वाली हूँ कि अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है क्यों इसे यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन का आंसर इसका ये क्यों नहीं है, और सबके रीजंस भी हम साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। चेन ट्रांसफर रिएजेंट इज, तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा चेन ट्रांसफर रिएजेंट है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर। आई थिंक विजिबल है, हाँ। तो आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल कोपॉलीमर का है। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं एक एक करके आपको इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, बैकिलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम बाय रिएक्शन विद। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है जेई एग्जाम के अंदर। यहाँ पर बैकिलाइट हम किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे जब। तो देखो फिनॉल हमारा क्या है, ये फिनॉल है। फिनॉल को जब हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। ये क्या है हमारा, HCHO। HCHO क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो जब हम फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल की रिएक्शन आपस में करवाते हैं तो वहाँ से हमारा बैकिलाइट ऑब्टेन होता है। अब बैकिलाइट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लेते हैं जो कि आपको हेल्प करने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो बैकिलाइट है हमारा, सबसे पहली बात तो ये क्या है हमारा, कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपसे यूज़ पूछ सकते हैं कि बैकिलाइट के कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो बैकिलाइट को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, कॉम में बनाने में यूज़ करते हैं। और जो एक चीज़ ध्यान रखना, आपके जो हैंडल्स होते हैं यूटेंसिल्स के अंदर, यूटेंसिल्स के हैंडल्स के अंदर हमारा बैकिलाइट यूज़ होता है। और इवन इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ये मेन एग्जांपल है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस के अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक है। तो कॉम, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, बैकिलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्शन विद। तो बैकिलाइट को हम किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं, तो फिनॉल की रिएक्शन करवाने के बाद। तो फिनॉल को हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, फिनॉल को हम रिएक्ट करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, ठीक है। तो HCHO की जब रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल के साथ, तो वहाँ पे हमारा बैकिलाइट ऑब्टेन होता है। अब बैकिलाइट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, वो भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। सबसे पहली बात कि एक हमारा कैसा है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो एक तो ये ध्यान रखना कि कैसा पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। सेकेंड पॉइंट, इसके बारे में हैंडल्स जो होते हैं यूटेंसिल्स के, उसके अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो आप कॉम यूज़ करते हो, कॉम में भी हमारा क्या होता है, बैकिलाइट यूज़ होता है, और इलेक्ट्रिकल स्विचेस के अंदर भी यूज़ होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे हमारा बैकिलाइट यूज़ होता है। तो स्विचेस के अंदर, कॉम के अंदर, हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स के अंदर, और ये हमारा क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो पहला क्लियर हो गया, फर्स्ट का आंसर क्या है, ए, ठीक है। ए अपनी इसके अंदर मार्क कर लेना, ए इसका राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं आप, इसे मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन था, क्लिप्टल पॉलीमर इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्लिसरॉल बाय रिएक्टिंग इट विद। तो ग्लिसरॉल को जब हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्लिप्टल ऑब्टेन होता है। तो पहला ऑप्शन है मेलोनिक एसिड, तो नहीं, मैलिक एसिड भी नहीं है। राइट आंसर क्या है, पैथैलिक एसिड। कैसे, ये देखो, जब हम ग्लिसरॉल लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं, पैथैलिक एसिड, ठीक है।
तो वहाँ से हमारे पास क्या आता है, ग्लिप्टल पॉलीमर यूज़ हमारे को मिलता है। और यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है इस पॉलीमर के बारे में कि ये जो हमारा पॉलीमर है इसका हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, पेंट्स के अंदर, पेंट्स जो बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये ध्यान रखना पेंट्स के अंदर कौन सा पॉलीमर यूज़ होता है, हमारा ग्लिप्टल पॉलीमर। तो सेकेंड क्लियर हो गया, सेकेंड का राइट आंसर क्या है, सी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आंसर्स आप लोगों के सही हुए से कमेंट करके बताना। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। द पॉलीमर यूज इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ ऑरलॉन, ऑरलॉन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। पर ऑरलॉन, इस आंसर को बताने से पहले मैं आपको ऑरलॉन के बारे में कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो ऑरलॉन है हमारा, ये कैसा पॉलीमर है, सबसे पहली बात तो एडिशन पॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर। सेकेंड पॉइंट अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हम कैसे यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूट फॉर वूल, वूल की जगह हम इसका यूज़ करते हैं। और ये क्या है, हमारा कमर्शियल फाइबर है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि ऑरलॉन हमारा एडिशन पॉलीमर है, वूल की जगह हम इसको यूज़ करते हैं, ये एक हमारा कमर्शियल फाइबर है। अब अगर हम बात करें कि इसे हम किससे बनता है ये ऑरलॉन, तो ऑरलॉन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पेन। और पेन है क्या, पेन की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीएक्राइलो नाइट्राइल। इतना क्लियर हो गया, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल पेन से हमारा ऑरलॉन बनता है। और ऑरलॉन को और क्या बोलते हैं, ऑरलॉन का अनदर नेम अगर आपसे पूछ ले या फिर ऑरलॉन की जगह यहाँ पे क्या लिखा हो, एक्रिलिन, तो वो भी सेम ही है। ऑरलॉन को हम और क्या बोलते हैं, एक्रिलिन। तो ये दोनों नाम से आ सकता है। तो थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसका राइट आंसर क्या है, हमारा डी, दैट इज पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। अब फोर्थ आंसर के बारे में बात करते हैं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है जो कि एम्स में आया हुआ है, चेन ट्रांसफर रिएजेंट इज, इनमें से कौन सा चेन ट्रांसफर रिएजेंट है। तो देखो हाइड्रोजन तो वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा आइडिया भी लगा रहे हो तो गैसेस तो हम चेन ट्रांसफर रिएजेंट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, और ये भी हमारा रिएजेंट्स हैं तो ये तो नहीं यूज़ होगा। लेकिन CCl4 जो है हमारा, ये यूज़ होता है एज अ चेन ट्रांसफर रिएजेंट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है कि CCl4 को हम यूज़ करते हैं एज अ चेन ट्रांसफर रिएजेंट। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे से ध्यान रखो कि जो हमारा बेंजोइल परऑक्साइड को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, चेन इनिशिएटिंग रिएक्शन में। ठीक है, अगर हमारे को चेन, जैसे ये चेन ट्रांसफर में यूज़ होता है CCl4, तो बेंजोइल परऑक्साइड भी पूछ सकते हैं, तो वो कहाँ पर यूज़ होता है हमारा, चेन इनिशिएशन। ठीक है, चेन इनिशिएशन के लिए हमारा बेंजोइल परऑक्साइड यूज़ होता है। तो ये वाला क्लियर हो गया फोर्थ क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही हुआ होगा, इसका राइट आंसर क्या है, पॉलीप्रोपाइलीन हमारा क्या है, कोपॉलीमर है। अब अगर मैं आपको कुछ बातें कोपॉलीमर के बारे में बताऊं, तो सबसे पहले कोपॉलीमर में के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि जो कोपॉलीमर है इसके अंदर को से समझ में आ रहा है कि मोर देन वन मोनोमर। ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर, अगर हम राइटली इसे प्रोनाउंस करें तो मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इतना क्लियर हो गया। इसे अगर और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ तो फॉर एग्जांपल एक मोनोमर ऐसा होगा, एक किसी और शेप का हो सकता है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट मोनोमर्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक किसी और शेप का हो गया, तो किसी मतलब सॉरी से बेंजीन बना दिया मैंने यहाँ पे, मतलब किसी भी शेप का हो सकता है। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, वन टाइप ऑफ मोनोमर्स क्या होते हैं, हमारे कोपॉलीमर होते हैं। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, हमारा डी। अब एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, इसे साइड कर देते हैं। जो हमारा PEVA है, ठीक है, एक आई थिंक ये यहाँ से विजिबल नहीं है, यस आई थिंक हाँ अब ठीक है। तो जो PEVA है ये भी हमारा क्या है, कोपॉलीमर का एग्जांपल है, इसे ध्यान रखना क्योंकि ये पूछ लेते हैं। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, लिख लो आप अपनी कॉपी के अंदर, पॉली इथाइलीन विनाइल एसीटेट। ठीक है, पॉली विनाइल इथाइल एसीटेट जो कि हमारा क्या है, कोपॉलीमर है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक लास्ट एज अ क्वेश्चन नहीं है वो, बट मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ, मुझे एकदम से ध्यान आ गया। जिगलर नाटा कैटलिस्ट को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन को फॉर्म करने के लिए। तो ये इस तरीके से चार ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, हाई प्लस लो डेंसिटी, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी के लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है ये हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आपके पूरे 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, आई थिंक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और कमेंट करके बताना मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नाउ थैंक यू एंड बाय बाय।